अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जी करते हैं अब शुरू। तो आज है जी नौवां मुहर्रम है और हम लोग जा रहे हैं जी गोजरे। तो हर साल हम गोजरे जाते हैं, नौवें मुहर्रम या दसवें मुहर्रम को जाते हैं। वैसे तो अबू वगैरह जो से है वो साल में बीच में भी जाते रहते हैं, लेकिन इस नौवें मुहर्रम को ना हमने लाजमी जाना होता है। तो भाई हमारी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, बहुत मुश्किल से भाई हमारी गाड़ी सेट हुई है, सही सही करवाई है। और ये गाड़ी थी हमारी जो थी ख़राब हुई, चेक कर सकते हैं, नजर आई रही होगी गाड़ी। ये सरप्राइज थी, ये सरप्राइज रखा हुआ था मैंने गाड़ी। ये हमारी छोटी गाड़ी है ना, ये बहुत दिनों बाद हमने एक पाइप निकाली है, क्योंकि इसका और तीन गाड़ियाँ जिसमें हम आए हैं। एक हमारी ये सुजुकी मेहरान है और ये तो अपने एहसन भाई है ना, और ये हमारी है एक और गाड़ी है। तीन गाड़ियाँ जिसमें हम जा रहे हैं जी गोजरे। अभी हम पहुँचे हैं, अभी हम किस जगह पे है भैया? ये माना वाले, हम माना वाले खड़े, माना वाले खड़े, माना वाला जीटी रोड। तो गोजरे कितना दूर है? डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो गाइस अभी हमने खाना शाना भी खाया, सुबह हम 5 बजे निकले थे, तो दो तीन घंटे हो गए हमारी गाड़ी जो थी ख़राब हुई थी, तो भूख भी अन्नी पड़ गई थी हम सब लोग भाइयों को। तो अभी हमने खाना शाना खाया ये ढाबे से, और ये भाई कुछ कहना चाह रहा है नहीं भाई जान, इसका यार वो की सबू के पास है ठीक है। यार ये भाई हमारा शुगर लगा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो भाई? क्या भैया हमारी गाड़ी नहीं है यार, भैया हमारी गाड़ी नहीं है यार। तो गाइस हम उधर जाके अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि ब्लॉग जो है वो बहुत मजे का होने वाला है। तो भैया हमारे असल भाई आप सब से गुजारिश है कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ये भी कहना चाहता भाई बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। ओके ओके, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आप लोगों को। खाना शाना खा के भैया मुंह मीठा हो रहा है, ये देखें असीब भाई ने हमें दिलवा दिया जी, ये नहीं असीब भाई ने दिलवाई, गौर भाई ने दिलवाई। अभी हम चलते हैं जी अपने काफले को रवा दवा करते हैं। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी हुई है मजदूरों ने, वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात पूरे होंगे तो आगे हम जाने देंगे, अदरवाइज नहीं जाने देंगे। ये हमें जाने नहीं दिया जा रहा भाई, मजदूरों का एहतजाज चल रहा है यार, इन्हें 9वें 10वें मरहम के बाद बना लेते यार ऐसा काम। ये ऐसे रास्ता नहीं खुलेगा जब तक आपका भाई नहीं जाएगा, ये ऐसे रास्ता नहीं खुलेगा। यू आर राइट ब्रो, आपका भाई जाएगा तो रास्ता खुलेगा, अदरवाइज इन्होंने ब्लॉक किया हुआ पूरा। अच्छा बड़ी कोशिश कर ली यार, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है भाई। असल भाई जो है वो पुलिस में है, DSP है, तो उन्हें भी नहीं जाने दे रहे, वो कहते हैं जो सब मर्जी पुलिस ऑफिसर रोल, हमने नहीं जाने देना। हमारी एक गाड़ी उधर ब्लॉक की हुई है उन्होंने, और एक ये गाड़ी हमारी ये है, उस गाड़ी में भैया असल भाई वगैरह बैठे हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी कहा है कि हमें जाने दे, DSP हैं, तो भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया हमने गाड़ी निकाल ली अपनी इधर से, सिर्फ दो गाड़ी हमारी गई है, बाकी और किसी की नहीं जा रही, और इसका क्रेडिट हमारे चाचू को जाता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी गोजरे, और लगातार सफ़र करने में ना बंदा रह जाता है यार, मैं बैठ बैठ के थक चुका हूँ इससे, मेरी हालत जो होती है ना वो इस टाइम ख़राब हो चुकी है।
इतना लंबा सफ़र था यार, मुझे तो नींद आने लगी है। रास्ते में मैं सो गया था, लेकिन मैं अचानक से ना वो झटका सा लगा मुझे, मैं उठ गया हूँ और नींद फुल टाइम आई हुई है अभी मैं, क्योंकि आज जल्दी उठे थे हम। और ये है जी कब्रिस्तान। आज के दिन इधर रश कम है, क्योंकि अभी है 9वां मुहर्रम, कल जो उसका 10वां मुहर्रम होगा इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये देख सकते हैं, ये गोजरे का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो यार अपने प्यारों के पास आना चाहिए और फाते वगैरह पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि चक्कर लगाते रहना चाहिए यार अपने प्यारों के पास। जन्नत के बागों में से एक बाग बना, कब्र को रोशन फरमा, कब्र को तहद्दे लगा के कुशादा अता फरमा, कब्र में प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बंदे अच्छे हों। तो गाइस, हम गोजरे से निकल के अभी हम पहुंचे हैं फैसलाबाद, और इधर से हम खाना छाना खाएंगे और फिर लाहौर वापस चले जाएंगे। तो भूख भी लग पड़ी है, सबको भूख लग पड़ी है। जाते साथ ही आपके बहने मौजूद होना यार, थोड़ा गंदा हो गया, फिर खाना छाना खा के फिर हम लाहौर चलेंगे। तो यार मौजूद होना, लेकिन वॉशरूम में भाई कोई जगह नहीं है अभी, भाई नो किया कोई गया हुआ अंदर। तो जैसे ही वो आते हैं तो भाई मौजूद होना है, भाई बड़ा गंदा हो गया अंदर का हाल, आपको भाई की बड़ी गंदी हो गई है, असीब भाई की भी गंदी हो गई, मौजूद होना है भैया आपने। हाँ यार, सुबह से निकले हुए, सुबह 5 बजे हम निकले थे, अब ये भाई अभी भी मुझे थोड़ा सा भूखा लग रहा है, बाकी सब फुल हो गए। जो हमारे साथ वाला भाई बैठा था ना, वो चला गया जी आगे। तो गाइस इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।